हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसके एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा बाउंस बैक आया है और बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट आने की तैयारी है और आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें फ्रेश एंट्री लेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ये बाउंस बैक आ रहा है वो अगर हम लोग फिबो लगाते हैं तो 78% के आसपास से आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। ठीक है, 78% का जो भी यहाँ से अगर ऊपर जाता है, तो अगर ये ऊपर निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर निकल रहा है तो बहुत ही शानदार तरीके से ये ऊपर निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो भी अभी ब्रेकआउट हो रहा है उसे प्ले करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर जा रहा है, और आज का जो कैंडल है बहुत ही अच्छा है और वीकली टाइम फ्रेम पे हमें इसमें ब्रेकआउट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे इसने प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट दिया है, तो ये जो ब्रेकआउट है ये ऊपर सस्टेन कर सकता है और ये ब्रेकआउट हो सकता है इसको 240 और 250 के आसपास तक लेके आ जाए। 250 का जो यहाँ पे लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि ये 78% तक नीचे चला गया था, तो 240 का लेवल, ये 250 के आसपास का जो लेवल है, अगर ये इसे ब्रेक करके देता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करके, तो फिर हमें इसमें ऊपर के लेवल भी देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे 250 का लेवल को ये रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट करने के बाद नीचे की ओर आने लगता है, ठीक है, अगर इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करता है और इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद नीचे की ओर आने लगता है, तो हो सकता है ये फिर से नीचे आ जाए। तो अभी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वन डे टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे हम लोग ये जो ब्रेकआउट हो रहा है इसे प्ले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा लास्ट स्विंग के नीचे, लास्ट कैंडल के नीचे, या फिर इस कैंडल रेड कैंडल के नीचे, जो कि इसका लो है 204.15, तो 204 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से जो हमारा टारगेट होगा, ठीक है, यहाँ से जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 235 के आसपास का, 240 के आसपास का। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए एज अ टारगेट यहाँ पे ऐड करेगा, क्योंकि ये जो लेवल यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे बहुत पास में से आ रहा है, तो हो सकता है इसको ब्रेकआउट दे के थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये 240 के लेवल को टेस्ट करें, एंड 240 के बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 250 है। 250 का लेवल अगर यहाँ से निकल जाता है प्यार से, तो यहाँ पे जो आगे के ऊपर के बहुत ही अच्छे शानदार लेवल दिखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहीं से ये फिर यू टर्न ले लेता है, तो फिर हो सकता है ये धीरे धीरे नीचे आए एंड फिर से प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर जाए। तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्रॉफिट के लिए काम करना है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है। जब ये 240 के आसपास आ जाएगा तो कोई क्वांटिटी बुक करना है तो आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे ट्रेल करके रख सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है, शानदार दिख रहा है ये शेयर। अगर ये 220 के आसपास आज क्लोज दे देता है, ठीक है, 220 के आसपास मान लीजिए आज क्लोजिंग दे देता है, हमें क्या करना है, हमें बाई करना है इसको कल के दिन जब ये गैप अप ओपन हो जाएगा तो इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर इसी रेंज में 220 के आसपास एंड 216 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, ओपन होकर आज का हाई ब्रेक करेगा, तो हम लोग बाई करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे एंड टारगेट का इंतजार करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक नया शेयर मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको अपनी एनालिसिस करनी है, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको अपनी एनालिसिस करनी है, एंड उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना है। एंड जो भी आपको रिस्क है, आपका रिस्क मैनेज करके ही किसी भी शेयर में कोई भी पोजिशन बना लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।